राम राम भाई, सबको कैसे हो आप? सब लोग होप करते हैं आप सब बढ़िया होगे मेरी तरह। तो अभी बज चुके शाम के 5। तो मैं यार सो के उठा एकदम, तो शिवेन का फोन आया हुआ था। और मैं क्यों आया हुआ था भाई, उसकी अब सिस्टर की मैरिज, तो आज उसकी सिस्टर का है सगन और हमें निकलना है दिल्ली। पीरागढ़ी है उसकी बहन का सगन। तो आपको पता है फार्मर का प्रोटेस्ट भी चल रहा है, और वो सगन तो बेशक रात का है पर निकलना हमें जल्दी पड़ेगा। कोई फार्मर को प्रोटेस्ट के करके सारे रास्ते बंद है, तो हमें कहीं अंदर के रास्ते निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से भाई का फोन आया, भाई तुम निकल जाओ, रास्ते बंद है। तो इस मतलब उसने 2-3 रास्ते बताए, वहां से आ देना, हम जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ही बता दूंगा अंदर के रास्ते, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं उठा फटाफट, अब नहाने जाता हूँ, नहाया भी नहीं है। देखो मैं ऐसे बनाया, देखो नहाया भी नहीं हुआ, अभी तो मैं घर के कपड़ों में ही हूँ। उसने बोला भाई रेडी हो जा फटाफट से, मैंने साहिल को फोन भरा, मैं कहा निकलना है भाई फटाफट रेडी हो जा, और तो मेरे कपड़े भी डिसाइड नहीं है मैं पहनूंगा क्या। अभी तो मैंने मम्मी को बोला मेरे कपड़े निकालो फटाफट, फिर रेडी होऊंगा, फिर निकलेंगे। कैसे रहेगा मुझे भी नहीं पता, दिल्ली पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, फार्मर प्रोटेस्ट में फंसेंगे। उसने मेरे को रास्ता तो बताया भाई, इस रास्ते निकले, ये खुला है। बाकी जब पिछली बार फार्मर को प्रोटेस्ट हुआ था मैं उसी रास्ते जाता था, तब तो वो खुले थे, मेरे को पता भी है रास्ते कि हाँ वो रास्ता है, उसी रास्ते जाते हैं, उसी रास्ते जाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ खुला ही पाएगा वहां। वो भी यही कह रहा है कि हाँ वो खुला है, मगर ठीक है भाई फिर उसी रास्ते से आएंगे। तो अभी कपड़े भी डिसाइड नहीं है, मैं कपड़े पहले डिसाइड करूंगा अपने। आज मैंने ब्लॉग की जगह ही चेंज कर दिया, आज मैंने उस रूम से इस रूम में आ गया। मैं आज इधर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं पहले इधर से ही करता था ब्लॉग स्टार्ट अपना। तो मैं बाहर चलता, मम्मी को कहता भाई कपड़े दिखाओ, अंधेरा हो गया होगा, 2 मिनट रुकना। बाहर चल के मम्मी को कहते हैं कपड़े निकालो, डिसाइड करते हैं कौन से पहनने हैं। नहा धो के हो चुका हूँ एकदम से रेडी। आज मैंने आपको कहा एकदम से, अब आपको दिखाएंगे हम क्या पहने। पहले हम दिखाएंगे नहीं, डिसाइड नहीं करेंगे। डिसाइड मैंने भी ये बड़ी मुश्किल से करा है, पर मैंने कहा यार आपको बार बार एक ही सेम चीज कहूंगा ना कि हाँ यार डिसाइड करते डिसाइड करते, आप भी कहो यार क्या यार हम ही डिसाइड करें हर बार। तो मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, आप भाई का साथ जरूर देते हो फैमिली के तौर पे। तो मैंने पहन लिया ये, तो यार अभी तैयार वैर होना करते हैं, फिर तैयार होते हैं, जूते वूते पहनने हैं, बेल्ट वगैरह पहननी है। बेल्ट भी नहीं पहन रखी, नहीं पहनूंगा बेल्ट वगैरह। तो साहिल भी तैयार हो रहा है फटाफट, मैंने उसको बोला भाई शिवेन का फोन आ रहा है फटाफट तैयार हो जा, कहीं हम लेट ना हो जाए, फिर वहां लेट पहुंचे और वो बातें सुनाए। उसने कहा था 7 बजे तक वहां पहुंचना है, तो 7 बजे तक तो पहुंचना मुश्किल है भाई, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। जाम ना मिला तो, जाम मिल गया तो फिर देखेंगे क्या पता, शादियों का सीजन भी है भाई, इस वजह से लेट भी ना हो जाए, शादियां हैं भी बहुत, कुछ नहीं कह सकते अभी। अभी वो फटाफट रेडी हो जाते। एक बार तो मैंने कंघी कर ली है, पर दोबारा कर लेता हूँ यार, बाल सेट बैठ नहीं रहे सही। तो बेल्ट वेल्ट भी लेके आते हैं, फिर डालते हैं, रेडी होते हैं पूरी तरह। मैं तो रेडी होके जा रहा हूँ यहाँ से, और कुछ वहाँ कंघी होगी करनी होगी तो किसे ले कर लूँगा, कोई यार गाड़ी में जाना खराब भी हो जाती है कंघी वगैरह जो कर रखी है, फिर वहीं पर कर लेंगे। भाई मैं ना 0.5x में बना रहा हूँ, इसमें बनाऊँ या 1 में बनाऊँ या आप बताना, इसमें सही लग रहा है वो सही लग रहा है, इसमें सारा बैकग्राउंड वगैरह सब आ रहा है ना अच्छे, उसमें डायरेक्ट मुंह पे आता है जाके यार 1 पे, तो मुंह में बड़ा बड़ा लगता है उसमें। फिर तो मैंने कहा थोड़ा ऐसे ऐसे करूँ ऐसे करूँ, समझ नहीं आ रहा यार, अभी थोड़ा ब्लॉगिंग नई नई करनी शुरू करी है ना, लोगों को लगता है मैं तो कब से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। नहीं भाई मैं नई नई स्टार्ट करी, मैंने 9 महीने पहले की वीडियो डाल, मैं डर डर के बोलता था बिल्कुल, अब तो पूरी तरह ही खुल गया मैं, लगा लो मैं चलन दो, जो कोई बोले बोलते रहने दो, अपने को परिवार नहीं है। सो के उठाऊ ना, इस वजह से ना मेरे को भूख भी बहुत तेज लगी है, तो मैंने मम्मी को कहा भाई मेरे को चाय ब्रेड बना दो। तो 1 घंटा तो जाना है ना रास्ते में, मतलब भूख का थोड़ा तो आराम मिले, वहाँ जाकर तो बेशक खाना है, पर यहाँ से तो थोड़ा भूख का आराम मिले। भूख इतनी तेज लग रही है ना पूछो मत, पहले यार चाय ब्रेड खाऊंगा तभी निकलूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे लेट हो जाए 1 घंटा, पहले चाय। अभी मैं आपको दिखाऊँ मैंने कितना बड़ा नमूना काम करा है, बहुत बड़ा, पूरे इंडिया में किसी ने नहीं करा होगा, वर्ल्ड में किसी ने नहीं करा होगा, ये देखो। ट्राउजर खरीदे थे स्पोर्ट्स शूज, और ये जूते मैंने उतार दिए, तो जूते मैंने इसलिए उतारे हैं क्योंकि भाई रास्ते में गाड़ी चलाने को गलत मतलब मिल लेना, यही पहनूंगा मैं वहाँ पे, गाड़ी चलाते हो वो कंफर्टेबल नहीं होते जूते, तो यही पहन के जा रहा हूँ वहाँ पे, चेंज कर लूंगा मैं, है ना नमूने वाले काम। पता चले सुलभ तुम आज उतारना भूल गया, ऐसे ही शादी अटेंड कराया, क्या होगा लोग बेइज्जती कर देंगे और क्या होगा। पर हमारे पास यूट्यूब की पावर है, हम कह देंगे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम्हारा बेस्ती भी एक कंटेंट बन जाता है। हाँ हम सही बात बोलिए, बेस्ती में हमारा कंटेंट है, कोई हमारी बेस्ती करो जिससे हम और ग्रो होंगे, करो करो, हम तो चाहते हैं हमारी कोई बेस्ती करे।
यार साहिल आया नहीं, उसने देर लगा रहा बहुत। उधर शिवेन का तीसरी बार फिर फोन आ गया, निकल गयो निकल गयो। उसको तो मैं पागल बना रहा हूँ, हाँ भाई निकल गया निकल गया। वो आए तभी तो निकले हम। साहिल भी आ चुके नीचे, रेडी शेडी हो गए, रिप्लाई नहीं कर रहे, बस दिखाते हैं इसकी बंदी से बात कर रहे, बंदी से बात कर रहा है। अरे नहीं भाई, बंदी स्ट्रीक भेज रहा हूँ। एकदम उसने स्ट्रीक का ऑप्शन खोल लिया, हमको नहीं पता क्या, हमने भी ऐसे बहुत खेल खेले हैं। ये देख मैंने क्या नमूने काम करे, किसी ने करे होंगे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में किसी ने करे होंगे ये काम जो हमने कर दिए? कोई नहीं करेगा ऐसे काम। तो गाड़ी की चाबी ऊपर भूल गया भाई, फटाफट गाड़ी की चाबी आ रहे हैं फिर निकलेंगे। तो निकल गए घर से और बाहर का पता नहीं क्या शादी है, क्योंकि स्पीकर चल रहा है तो दिखाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से गोटे में झटका आ गया यार, पता नहीं क्या हुआ, एकदम गोटे में झटका जो आ गया, पता नहीं क्या है। बाहर दोपहर से चल रहा है भाई, बहुत शोर आ रहा है दोपहर से। वहाँ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद ले ले रास्ते में, अच्छे से आए अच्छे से आए, कोई दिक्कत ना हो, भोलेनाथ हमेशा साथ रहे हमारे। आशीर्वाद ले लिया फिर निकलेंगे। पता नहीं सामने क्या हो रहा है, देखो लाइट भी जल रही है, ये देखो दिख रहा होगा, पता नहीं कोई फंक्शन है, कोई जैसे जाकी वाकी होती है वो निकल रही है, मुझे तो समझ नहीं, पता नहीं क्या निकल रहा है, उस वजह से जाम भी बड़ा लगा हुआ है। ये सामने कोई जुलूस वगैरह निकल रहा है, पता नहीं वाल्मीकि जयंती है, मुझे नहीं पता क्या है आज। ये देखो पूरा जुलूस निकल रहा है, कोई नहीं यहाँ तो सारा जाम ही होगा, हम लोगों ने वैसे भी हम लोग पहुंच चुके हैं बहादुरगढ़। तो मैं आपको एक बार रास्ता दिखाता हूँ कि अगर जो लोग रोहतक से दिल्ली जा रहे हैं तो वो निज़ामपुर होके जा सकते हैं। मैं दिखाता हूँ, आप सिटी में एंटर करोगे ना बहादुरगढ़ सिटी में, तो हीरो होंडा का शोरूम आएगा, उसके साथ वाली गली में जाना है आपको, वही सीधा जाएगा दिल्ली एंटर होएगा, तो आप लोग वहाँ से जा सकते हो। थोड़ा मैं आगे चल के आपको रास्ता भी दिखाऊंगा आपको कहाँ से मुड़ना है। तो आगे थोड़ा अभी रहता है रास्ता, और 100-200 मीटर है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ फिर। तो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि बजाज का शोरूम था या होंडा का शोरूम था, क्योंकि मैं आगे निकला है, मैं बता नहीं पाया। बाकी आता बाइकों का ही है शोरूम, गाड़ियों का नहीं आता, बाइक का ही आता है। तो उसके साथ वाली गली है, तो ये गली जा रही है दिल्ली, और सारी गाड़ियाँ भी यहीं से ही जा रही है। अगर किसी को गली समझ ना आए तो पूछ भी लेना, लोग बता भी देते हैं, वैसे तो आपको पता भी लग जाएगा क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहीं। 2 मिनट का अभी हमने लिया ब्रेक, क्योंकि साहिल का हो रहा है बहुत है सिर दर्द, तो दवाई लेने गया हुआ है। मतलब मैं उसके पूरे रास्ते सिर दर्द रहा, उसने मेरे को बोला नहीं रोकने के लिए, वो सो गया। मैंने कहा तू सो जा, कोई बात नहीं, सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तू सोया नहीं है। तो कह रहा नहीं यार सिर दर्द हो रहा, गैस बन रही है। तो मैंने कहा तू दवाई ले ले भाई, कहीं बाद में और दिक्कत ना हो जाए, उसका क्या फ़ायदा कि दिक्कत हो जाए। मतलब जो मैंने आपको रास्ता दिखाया ना, कि कोई सुनसान रास्ता नहीं है दिल्ली जाने के लिए, मतलब पूरा बहादुरगढ़ सिटी के मतलब गलियों में से निकल के है, मतलब जिसने जिसको इमरजेंसी है दिल्ली जाना है फटाफट, ये रास्ता भी ले सकते हो भाई, बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब फर्स्ट जब किसान आंदोलन हुआ था मैं तब भी यहीं से जाता था, और मैंने ही लगभग सबको रास्ते बताए थे, तब मैं शायद ब्लॉग नहीं करता था, तो अब ब्लॉग कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे मुझे कोई नई चीज़ें पता लगती है मैं आप लोगों को ही बताता रहता हूँ। तो यार पूछ लेना मेरे से, अगर कोई मेरा नॉन हो तो वो पूछ सकता है मेरे से कि कहाँ से जाना। हम लोगों को 1 घंटा हो चुका है जाम में फंसे हुए, क्योंकि ना ट्रक का बहुत ज़्यादा जाम है रोड पे, क्योंकि लगभग तो सबको ही पता लग गया है रास्ता। जब पहले किसान आरक्षण होते तो लोगों को इतना रास्ता नहीं पता होता था, जब से लोगों को पता लगा है सारे लोग यहीं से, ट्रकों का इतना जाम है ना, मतलब कोई पुलिस मैनेजमेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं कर रही है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रही भाई, जैसे जो गाड़ी फंसा रहा है वैसे निकाल रहे हैं लोग, मतलब ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शादियाँ भी आज बहुत है, रीज़न एक ये भी है, ये तो भाई पुलिस मैनेजमेंट करती है, पुलिस मैनेज भी नहीं कर रही कुछ भी। चलो कोई नहीं, निकल जाएंगे धीरे धीरे करके। हम लोग हो चुके हैं दिल्ली एंटर, बड़ी मुश्किल से जाम से बच बच के निकल के, थोड़ी स्पीड भी भगाई, मतलब साइड समझ जाओ कट वट भी मारे तभी हम निकल पाए, नहीं तो अगर खड़े रहते तो हम लोग खड़े ही रहते जाम में। तो आगे आते ही ऐसा जब बंदे ने लेट होना होता ना तो ऐसा पूरा ही लेट होता, आगे आगे देखो फाटक भी बंद मिल गया, ये देखो फाटक भी बंद है। ट्रेन आ चुकी है, आवाज़ तो आ चुकी है, बस निकलेंगे फटाफट पहुंचे। वो पहले ही कह रहा था भाई तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे आराम से, इसलिए जल्दी निकलो, हमने मजाक में ले लिया, सीरियस नहीं लिया ना हमने भाई। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बैंकेट हॉल, जाम से इतना निकल निकल के, बहुत जाम था यार, मतलब पहुँचना मुश्किल हो गया था, ये लगा लो आप लोग।
ये है सामने बैंकेट हॉल द रॉयल पेपर के नाम से, और इसके सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं अभी। चलते हैं। कितना अच्छा यार मॉन्यूमेंट्स लगे हुए हैं देखो, है ना, बहुत अच्छा बैंकेट हॉल बना हुआ है। ये देखो क्या लाइटनिंग कर रखी है, कितना अच्छा सजा रखा है। एंट्री देखो कितनी मस्त, अगर एंट्री मस्त हो तो बंदे का आने का ही मन करता है, बहुत मस्त बना रखा है एंट्री। ये जो लाइट्स है ना, यही इसको चमका रही है बैंकेट हॉल को, ये लगा लो आप लोग। सेकंड फ्लोर पे है, लिफ्ट लेते हैं और फटाफट ऊपर चलते हैं। ये आ गया, नाम भी आ गया, सृष्टि अच्छा। इधर लिफ्ट से चढ़े हैं, खुलेगी इधर, ये देखना भी कमाल, यहाँ से चढ़े खुलेगी, यहाँ खुल गई, ये देखो। अरे बंद क्यों कर दिया, मेरे को भी बंद कर दिया, खोल लो खोल लो खोल भाई, बंद कर रखा है। खाना पीना अपना आ चुका है, मैंने लिए चावल, दाल मखनी थोड़ी, आका नूडल्स और बल्ले, यही खाएंगे और फटाफट निकलेंगे वापिस रोहतक के लिए। भाई हम लोग निकल चुके हैं वापिस रोहतक के लिए, खाना खुना ऑल सेट, और अब बिल्कुल घूम के जाना पड़ता है, क्या करें, जहाँ हमको एक घंटा लगना, हमको दो घंटे लगने, ये लगा लो आप लोग। रात के अभी 11 बज चुके और जाम देख लो दिल्ली की सड़कों पर, अभी भी इतना जाम है ट्रकों का, मतलब ना इनकी वजह से हम ट्रकों की वजह से लेट हुए, नहीं तो हम वैसे लेट बिल्कुल ना होते। ट्रक की ट्रक ये लगा लो आप लोग, कितना जाम है अभी भी। पहुंच चुके हैं घर, और अब ना हम दिल्ली से एक घंटे में घर आए, 1 घंटा 20 मिनट, क्योंकि हमारे साथ एक भाई का जिसको नया रास्ता पता था, और वो इतना छोटा है ना, इतना छोटा, तो यार हम तो ये सोच रहे थे हम ऐसे 2.5 घंटे बर्बाद करके गए, हमें पता नहीं था जबकि रास्ता यहाँ पे, तो उसने रास्ता बताया, हमारे को तो बहुत जल्दी आ गया यार, खुशी जाते वक्त तो आपको साथ मैंने आपको बताया भी था रास्ता कि हम इस रास्ते से गए, तो मैं तो कहूँगा नया रास्ता है, मेरे से पूछ लेना दोबारा, वो मत करना कि निजामपुर वाले रास्ते मत जाना, जो नया रास्ता है उससे ज़रूर जाना है, बट ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बिल्कुल छोटा रास्ता है, वो सीधा आपको निकाल लेगा बॉर्डर पार कर, टिकरी बॉर्डर पार करके डायरेक्ट वहीं से रोड पे निकाल देगा, तो बहुत बेस्ट रोड था, मतलब टूटा फूटा है थोड़ा बहुत, वो इतना चलता है यार। चलो यार ऊपर चलते हैं फटाफट, गाड़ी लगा अभी चलते हैं फटाफट ऊपर, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे अपने भाई, पुराने लुक में आएंगे पजामे में और टी शर्ट में। मम्मी पता नहीं सो गई होगी, सो तो गई होगी यार। चलो भाई मम्मी को परेशान नहीं करते, अपना ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं, तो इसलिए अपने ब्लॉग पर एंड करते हैं। होप करते हैं आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। ओके बाय बाय, जय श्री।